जैसे ही कहा, आज सही मौका लगा मुझे तुम्हारी शक्तियों को हमारे सामने लाने के लिए, और देखो वैसा हुआ। ध्रुव की बातें छलावा और विकी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। विकी ने कहा, ये तू क्या कह रहा है ध्रुव? ध्रुव ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ ज्यादा बात ना करें तो ही अच्छा है, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। छलावा ने कहा, लेकिन इस चाबी का क्या? वो ताज भी हमें अब तक नहीं मिला है। इससे पहले कि ध्रुव कुछ कहता, तरुण और तारा दोनों ही वहां आ गए। तारा ने कहा, तुम्हें काफी देर हो गई थी इसलिए हमें चिंता हुई, तुम लोग सब ठीक तो हो ना? अनन्या कैसी हो तुम? अनन्या ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तारा, और यहाँ हम सब बिल्कुल सही सलामत हैं। तारा ने छलावा को देखा तो बोली, तुम भी ठीक हो ना? छलावा बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये सब कुछ सुमेर का किया हुआ था। सुमेर मुझे और अनन्या को अपने काबू में करना चाहता था हमारी शक्तियों के लिए। तारा ने कहा, शक्तियों के लिए? तुम्हारा तो समझ में आता है, लेकिन अनन्या को क्यों? छलावा बोला, क्योंकि अनन्या की शक्तियां भी उसके पास ही हैं। ये सुनकर तारा ने हैरानी से अनन्या की तरफ देखा। अनन्या ने अपनी नजरें झुका ली। तारा बोली, अगर ऐसा है अनन्या, तो तुमने ये सारी बातें हम लोगों से क्यों छुपा कर रखी? क्या तुम्हें हम पर यकीन नहीं था? अनन्या ने कहा, ऐसा नहीं है तारा, मैं बस उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मेरे लिए मेरी शक्तियों का कोई महत्व नहीं है। मैं उन्हें वरदान के तौर पर नहीं देखती, और मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियाँ मुझे एक पल के लिए भी भूलने नहीं देती हैं। तरुण ने कहा, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। छलावा बोला, और अभी इन सब का वक्त है भी नहीं तरुण, हम तुम्हें बाद में समझाएंगे। छलावा की बात पर तरुण ने सहमति में सिर हिलाया कि तभी अचानक उसकी नजर गुफा की दूसरी तरफ बने दीवार पर जाकर ठहर गई, और तरुण उस तरफ बढ़ गया। छलावा बोला, कहाँ जा रहे हो? तरुण ने कहा, एक मिनट, तुम लोग मेरे पीछे आओ। सब हैरानी से तरुण के पीछे चल पड़े। तरुण उस दीवार के पास जाकर रुक गया और उसने कहा, ये देखो। उन लोगों ने देखा, उस दीवार पर भी ब्रह्म कमल का चित्र बना हुआ था। तरुण बोला, इस चित्र का क्या मतलब है? ध्रुव ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस चीज को ढूंढ रहे हैं, ये चित्र हमें उस तक पहुंचाने का एक रास्ता हो? इतना कहते हुए ध्रुव ने उस ब्रह्म कमल को जैसे ही छुआ, वो चमकने लगा और अपने आप गोल गोल घूमने लगा। तभी उन लोगों के पैरों के नीचे से एकदम से जमीन खिसक गई और सब एक साथ नीचे गिरे। ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिरते जा रहे हो। उन सबकी चीख से वो जगह गूंज उठी, लेकिन फिर वो जगह पहले की तरह समतल हो गई और उनकी आवाज जमीन के नीचे दबकर रह गई। वो सब एक साथ नीचे गिरे। वो कितने नीचे आ गए थे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जहां गिरे थे वहां पानी था, इस वजह से उन्हें बहुत कम चोट आई। विकी ने कहा, ये क्या है, आसमान से गिरे खजूर पर पलट के और खजूर से कुएं में गिरे? अनन्या ने कहा, कम से कम कहावत तो ढंग से बोल। विकी ने कहा, अभी तुझे कहावत की पड़ी है, यहाँ जीवन की लंका लगी हुई है। इससे पहले कि उन लोगों को कुछ पता चलता कि वो कहाँ गिरे हैं, एक तेज रोशनी उनकी आंखों से टकराई। उन सभी ने अपनी अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। धीरे धीरे करके जब वो रोशनी थोड़ी सी बैलेंस हुई और उनकी आंखें देख सकने वाली हालत में हुई, तो उन्होंने अपनी आंखों को खोलकर देखा। वो सब हैरान थे, क्योंकि उनके सामने ब्रह्म कमल खिला हुआ था। वहां पर हजारों की संख्या में खूबसूरत कमल थे, जिनके बीच में ब्रह्म कमल था। ये देखकर ध्रुव के होठों से निकला, अद्भुत, कमल की रोशनी कितनी तेज और कितनी पॉजिटिव है, मैंने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। तरुण बोला, तुम्हारा छोड़ो, हम बचपन से यहाँ रहते आए हैं, आज तक मैंने कभी इसे नहीं देखा था, बस मैंने सुना था। ध्रुव ने कहा, लेकिन रूप के पिताजी ने कहा था कि ये नीलवन में खिलता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि नीलवन के जमीन के भीतर खिलता है। तरुण बोला, हो सकता है कि उन्होंने भी आज तक ना देखा हो, बस सुना हो या इसका चित्र कहीं देखा हो, तो उन्होंने एक आइडिया लगाया हो। ध्रुव बोला, हाँ ये भी हो सकता है। ध्रुव चलता हुआ ब्रह्म कमल के नजदीक पहुंचा। उसे एकटक देखता हुआ जैसे उसने अपने हाथों को बढ़ाया, वो ब्रह्म कमल अपने आप ध्रुव के हाथों में आ गया, और ध्रुव के हाथ में आते ही वो गायब हो गया। लेकिन ध्रुव के हाथों से होते हुए उसके सिर तक एक तेज रोशनी गुजरी। ऐसा लगा जैसे उसके स्किन के भीतर से गुजरकर वो रोशनी उसके सिर तक पहुंची है। ध्रुव का शरीर जैसे फूलों की तरह हल्का हो गया। ध्रुव ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक तेज दिख रहा था। तरुण तुरंत ध्रुव के नजदीक गया और उसे देखकर बोला, ये क्या हुआ, ऐसा कुछ होगा, ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस ब्रह्म कमल के बारे में जितना मैंने सुना है, ये हमेशा से नीलवन का हिस्सा रहा है। बेशक उसे किसी ने देखा नहीं था, लेकिन ये ब्रह्म कमल तुम्हारे भीतर कैसे समा गया? विकी बोला, मुझे लगता है ये वैसे ही हुआ है जैसे उस कानूनी बुक ने ध्रुव को चुना था।
विक्की की बातें उन लोगों को सही लगी। तभी ध्रुव ने देखा जहाँ पर वो ब्रह्म कमल खिला हुआ था वो जगह पानी से कुछ ऊपर थी और वहाँ पर चौकोर हिस्से में एक धातु का बना हुआ बॉक्स था जिसके ऊपर भी ब्रह्म कमल जैसा ही वो छोटा सा हिस्सा बना हुआ था। ध्रुव ने उसे गौर से देखा, फिर अपनी जेब से चाबी निकाली और जैसे ही उस चौकोर हिस्से में ध्रुव ने उस चाबी को लगाया वो चाबी अपने आप घूम घूम कर उस चौकोर हिस्से के ऊपर उठने लगी और एकदम से जोर से आवाज हुई। वो चौकोर धातु का बक्सा खुल गया, उसमें वो सुनहरा शाही ताज चमकता हुआ दिखा। उस ताज को देखकर सबकी नजरें उस पर ठहर गई। इन लोगों ने पहले जिस ताज को देखा था वो एक नकली ताज था, लेकिन ये वो असली ताज था जिसमें अपार शक्तियां समाई हुई थी। वो सब उस ताज को एकटक देखे जा रहे थे। तभी उन लोगों के देखते ही देखते वो ताज उस बक्से से बाहर निकला और हवा में कहीं गायब हो गया। ताज के गायब होते ही सब चौंक पड़े। ध्रुव ने कहा, ये क्या हुआ, ये गायब कहाँ हो गया? तरुण ने कहा, ये वापस राजमहल अपनी जगह पर पहुंच चुका है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ताज को यहाँ लाकर छुपाया किसने, क्योंकि इसे तो कोई छू नहीं सकता था। तभी ध्रुव को सज्जन सिंह की कही हुई बात याद आई। ध्रुव ने कहा, अब मुझे सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है। छलावा ने कहा, क्या समझ में आ रहा है, हमें भी तो बताओ। ध्रुव बोला, यही कि ये ताज अपने आप गायब हुआ था। यहाँ पर जितनी उथल पुथल चल रही थी और इतने वर्षों से इतने शासन के बदलने के बाद भी इस ताज को अपना उत्तराधिकारी नहीं मिला जिसे इसने खुद चुना हो, इसलिए इस ताज ने अपने आप को गायब कर दिया था अपने सही उत्तराधिकारी के इंतजार में। और ये ब्रह्म कमल क्योंकि अपने आप में सबसे गुप्त स्थान पर था, जरूर इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन था और इसकी चाबी कर्कशाओं के हाथ लग गई थी। मुझे लगता है कर्कशाओं की रानी ने इस चाबी को अपने पास छुपाकर सुरक्षित रख लिया होगा ताकि जब वो कौतुब साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे तब वो ताज को हासिल कर सके। तारा ने कहा, हे भगवान, कितनी गहरी साजिश थी, हम सोच भी नहीं सकते थे चीज इस तरह से हो सकती है। लेकिन ध्रुव, मुझे लगता है कि अब जबकि वो ताज भी अपनी जगह पर पहुंच चुका है तो हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुमेर ज्यादा देर तक बेहोश पड़ा रहेगा। छलावा उस जगह को देखकर बोला, तुम कह तो सही रही हो तारा, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? यहाँ तो मुझे कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सिर्फ पानी ही पानी और कमल ही कमल दिख रहे हैं। ऊपर से नीचे आने का रास्ता था लेकिन उस रास्ते से हम ऊपर तो नहीं जा सकते। विक्की ने भी छलावा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मुझे भी छलावा की बात बिल्कुल सही लग रही है, ये जगह बिल्कुल सुरक्षित थी, तभी तो ये ताज और ब्रह्म कमल दोनों यहाँ थे। अब तो शायद तरुण ही कुछ कर सकता है, वही अपने जादू का इस्तेमाल कर हमें यहाँ से निकाल सकता है। तरुण ने कहा, हाँ हाँ, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को यहाँ से बिल्कुल सुरक्षित निकाल लूंगा। इतना कहकर तरुण ने अपना हाथ जैसे हवा में घुमाया कि तभी ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तरुण ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, तुमने मुझे रोक क्यों लिया, यहाँ से बाहर नहीं निकलना? ध्रुव बोला, यहाँ से बाहर बाद में निकलना, पहले वहाँ उस तरफ देखो। उन्होंने देखा जहाँ वो खड़े थे वहाँ से पीछे वाली दीवार पर एक लाइन से कई सारे मानव कंकाल टंगे हुए थे। ये देखकर वो सब घबरा गए। अनन्या ने उन सबको देखते हुए कहा, ये सब क्या है, ये कंकाल यहाँ पर? ध्रुव ने कहा, हो ना हो, ये उन लोगों के कंकाल हैं जो ब्रह्म कमल के चक्कर में यहाँ तक पहुँच तो गए थे लेकिन यहाँ से निकल नहीं पाए, और अगर इतने सारे लोगों के कंकाल यहाँ है तो इसका मतलब साफ है कि ये बाहर के तो नहीं हो सकते। जरूर ये सब कौतुब साम्राज्य के ही जादूगर थे और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लालच में ब्रह्म कमल तक पहुंचने के लिए आए थे, इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग? उन लोगों ने इनकार में सिर हिलाया तो ध्रुव बोला, अरे इसका मतलब यही है कि कितने भी जादू कर लो यहाँ से निकल नहीं सकते हो जादू की मदद से, और आखिर में मारे जाओगे। तरुण ने कहा, क्या बात कर रहे हो ध्रुव, आखिर मुझे कोशिश तो करने दो। ध्रुव बोला, ठीक है करो कोशिश। तरुण ने जैसे ही अपने हाथ को घुमाया वहां पर वो जादू द्वार बन गया। तरुण ने कहा, देखा तुमने, हो सकता है ये लोग भी जादूगर रहे हो, लेकिन मैं राजकुमार हूँ इन लोगों का, मेरे पास बाकी जादूगरों से ज्यादा जादुई शक्तियां हैं। अब आओ तुम लोग मेरे साथ और मिनटों में हम महल में होंगे। विक्की ने तरुण की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह तरुण, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम आना कभी हमारे शहर में, मैं तुम्हें अपने खर्चे पर पूरा शहर घुमाऊंगा। तरुण बोला, पहले यहाँ से तो निकल जाओ फिर मुझे अपना शहर घुमाना, जल्दी द्वार के पास जाओ। वे सब एक एक करके उस जादुई द्वार के दूसरी तरफ चले गए। आखिर में तरुण भी जादुई द्वार के दूसरी तरफ चला गया। उन्हें महसूस हुआ जैसे वो तेजी से नीचे गिर रहे हैं। विक्की तेजी से नीचे गिरता हुआ बोला, अरे तरुण, हम तो महल पहुंचने वाले थे ना, कहीं तुमने गलती से हमें महल की छत से नीचे धक्का तो नहीं दे दिया? तरुण बोला, क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो,
महल से अगर धक्का दिया होता तो तुम्हें कुछ दिखाई तो दे रहा होता, यहाँ तो बस अंधेरा ही अंधेरा और कुछ नहीं दिख रहा। वे लोग एक एक करके फिर से नीचे गिरे और छप छप की आवाज के साथ पानी में गिर गए। उन्होंने देखा कि वे लोग एक बार फिर उन्हीं कमलों के बीच में गिरे पड़े थे। उस जगह को देखकर सबकी आंखों में डर और हैरानी दोनों ही दिख रहा था। छलावा बोला, हम तो एक बार फिर वहीं आकर गिर गए, मतलब तरुण ने हमें जादू द्वार से बाहर निकाला और उस द्वार ने हमें वापस वहीं लाकर पटक दिया। ध्रुव ने तरुण की तरफ देखा और बोला, अब ये तो जादूगरों के राजकुमार बताएंगे। तरुण शर्मिंदगी से बोला, अब ऐसा तो मत बोलो, मैंने तो कोशिश की थी, मुझे लगा था कि द्वार अगर बन रहा है तो हम यहाँ से निकल भी सकते हैं, मुझे क्या पता था कि ये जादू हमें इतनी ही दूर में घुमाएगा। इससे पहले कि ध्रुव कुछ करता, विक्की ने उसके पैर पकड़ लिए। ध्रुव बोला, ये क्या कर रहा है, पैर छोड़ मेरे। विक्की बोला, नहीं मैं तेरे पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझसे वादा नहीं करता कि तू मुझे यहाँ से सही सलामत बाहर निकालेगा। मैं तेरे पैर नहीं छोड़ूंगा, अब तो तेरा ही सहारा है, कुछ भी करके हमें यहाँ से बाहर निकाल, मैं अभी मरना नहीं चाहता। ध्रुव ने कहा, मेरे पैर छोड़ दे वरना मैं खुद तुझे यहाँ पानी में डुबा कर मार दूंगा, और सोचने दे मुझे कि हम इस कैद से कैसे निकल सकते हैं।